श्वेता सिंह। दिन भर की हर खबर से हम आपको खबरदार करेंगे। इस समय मैं काशी में मौजूद हूं और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने जहां से एक साझा दीवार लगती है ज्ञानवापी मस्जिद की, और आज ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये सुर्खियों में रहा है। चलिए हम पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हर एक खबर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम दिन रहा इस हिसाब से। खबरों के लेंस से हम जिन खबरों को आज देखने वाले हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आज भारतीय इतिहास की ज्ञानवापी फाइल्स को खोलने और ज्ञानवापी विवाद का सर्वेक्षण करने का दिन है। ज्ञानवापी पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि वहां सर्वे होगा, जरूर होगा, और 17 मई से पहले हर हाल में होगा। इसके रास्ते में कोई नहीं आएगा, और एक बार सर्वे हो गया तो इस विवाद के समाधान का रास्ता खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी पर किसका ज्ञान वेरीफाइड है। आज ज्ञानवापी के एक एक सबूत को, वहां के एक एक दृश्य को, चिन्ह को डीकोड करेंगे ताकि आपके सामने इस विवाद के पूरे दृश्यम को रख सके। तहखाने में मंदिर की निशानियां हैं या नहीं, ब्रह्मकल्प कमल का निशान क्या कहता है, घंटियों की आकृतियां, कमल की आकृतियां क्या बताती हैं, नंदी के मुख से किस लोकेशन का इशारा मिलता है, सब का हम विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि ताजमहल की याचिका पर किस तरह हाईकोर्ट का क्रोध बरसा, 22 दरवाजे खोलने की गुजारिश कैसे खारिज हो गई। आज कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका पर जो टिप्पणियां की उनकी चर्चा देश भर में हो रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ साफ कहा कि पढ़ो लिखो पीएचडी करो तब आना। ऐसी बहस अदालत के लिए नहीं, ड्रॉइंग रूम के लिए होती है। और पीआईएल का मजाक मत बनाइए, पढ़कर आइए। जिनके मन में ताजमहल की छवि बसी हुई है उनके लिए ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। और आज देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे बुलडोजर अभियान को अलग अलग इलाकों में हुए विवादों के लेंस से देखेंगे। यहाँ कुछ इलाकों में अतिक्रमण हटाने पर कोई विरोध नहीं हो रहा, जबकि कुछ इलाकों में लोग नारेबाजी, पत्थरबाजी पर उतर आए, हिंसक हो गए। जहां भी कानून के बुलडोजर का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है उसे जायज नहीं कहा जा सकता। अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस पर हो रही प्रतिक्रियाओं को भी नोट करते रहना चाहिए। इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जजमेंट डे था। अलग अलग मामलों में आज जजमेंट आए, जिसमें एक जो जजमेंट रहा वो मुस्लिम पक्ष के लिए झटका था, लेकिन दूसरा जो जजमेंट था उसमें हिंदू पक्ष को जमकर फटकार लगी। सबसे बड़ा जजमेंट वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आया, जिसमें वाराणसी की निचली अदालत ने साफ साफ फैसला दिया कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होकर रहेगा, 17 मई से पहले पूरा होगा। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष मायूस है। वहीं दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डांट लगाते हुए कहा कि ताजमहल किसने बनाया, ये पहले जाकर वो रिसर्च करके आए, पीएचडी करे तब कोर्ट। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर संबंधित याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इन सभी अर्जियों का ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को ये भी निर्देश दिए कि अगर कोई पक्षकार सुनवाई में शामिल न हो तब भी एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया जाए। आज वाराणसी में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। आज वाराणसी में अदालत ने रास्ता साफ कर दिया कि ज्ञानवापी का जो परिसर है वहां पर सर्वेक्षण कराया जाए। जब सर्वेक्षण की कोर्ट के ही कहने पर शुरुआत हुई थी तो कुछ ही समय बाद उसे विरोध के कारण रोक दिया गया था, लेकिन जब मामला अदालत में आज फिर पहुंचा तो कोर्ट ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत है, 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर फोटो लेने और वीडियोग्राफी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर कोई किसी जगह पर विरोध पैदा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि अगर मस्जिद का ताला बंद है तो ताला खुलवाकर या ताला तोड़वाकर सर्वे किए जाए। कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तय किया गया है, यानी मुस्लिम पक्ष की तमाम आपत्तियों के बावजूद अब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होकर रहेगा, फिर चाहे वो मस्जिद के अंदर तहखाना ही क्यों ना हो। क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग भी खारिज कर दी गई, जिसकी मांग मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र की अगुवाई में ही सर्वे की कार्रवाई होगी। इस दौरान दो और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है।
सर्वे करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर की होगी। उत्तर प्रदेश डीजीपी और मुख्य सचिव को भी निर्देश है कि वो कार्रवाई की निगरानी करे। कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र से आज तक ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज आप बहुत खुश हैं, खुशी का रीजन मुझे बताइए और दूसरा बताइए जो न्यायपालिका ने जो न्यायालय ने जो एक तरह से डिसीजन दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? हम इससे खुश इसलिए हैं, न्यायालय ने मेरा बर्डन कम कर दिया है। अच्छा, किस तरह से? मेरा ऊपर अकेले बर्डन था, वहाँ उन्होंने मेरे ऊपर दो लोग और दे दिए हैं मुझे। जैसे मैं अकेले हूँ, मेरे दो हाथ और बढ़ गए तो आदमी खुशी होती है। एक आपके विशाल सिंह हो गए और एक और जो साथ में आए हैं। जी, मैंने अभी मुझे उसकी जानकारी मतलब उनसे मुलाकात हमारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि ये दो लोग जी आज तक ने बातचीत करी है उनसे अभी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम पूरा सपोर्ट अजय मिश्रा जी का करेंगे पूरी कार्रवाई में। जी, आप कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट? अच्छा है, और क्या, ये बताइए, केवल यहाँ न्यायालय के आदेश का अनुपालन ही करना है, चाहे हम करें, चाहे विशाल जी करें, चाहे उनके साथ जो है बैठ के जो भी नाम के आज प्रताप सिंह जी हैं वो करें, न्यायालय के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। मुझसे आदेश में उन्होंने क्या बताया कि आप मतलब हिंदू पक्ष अब जो है सर्वे के लिए अंदर जा सकता है? दोनों पक्ष जाएगा सर, केवल एक पक्ष नहीं जाएगा। जी, एडवोकेट कमिश्नर आप सर्वे के लिए अब तहखाने में जा सकते हैं? हाँ, उन्होंने कुछ व्यवस्था बनाई है, पूरा मैंने आदेश पढ़ा नहीं है जी। ये है कि उन्होंने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि कौन व्यवस्था कराएगा कमीशन की, मतलब एक आदेश है जो भेजा गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ दलीलें दी गई क्योंकि वो बहुत आपसे स्टार्टिंग से बहुत ही डिसेटिस्फाइड थे? सर, ये उनकी अपनी धारणा होगी, मेरे हिसाब से तो मैं पहले शुरू से भी निष्पक्ष भाव से और सद्भाव पूर्वक काम किया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। अच्छा जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या अब सर्वे की डेट आप ही को डिसाइड करनी है? सर्वे की डेट क्या हो सकती है? अभी दो लोग नियुक्त हुए हैं, अब उनसे बात करने के बाद ही कोई डेट डिसाइड होगी। 17 तारीख का देना है आप लोग का, और कल, क्या कल परसों में हो सकता है माने? अब बात करने के बाद ही बता पाऊंगा। टाइमिंग्स 3 से रहेंगी या सुबह 8 वाला रहेगा? न्यायालय ने टाइम निश्चित किया हुआ है, सुबह 8 से 8 से 12। तो आप एक दिन में हो पाएगा या फिर कंटिन्यू करना? अगर टाइमली अगर 8 बजे शुरू हो गया तो संभवतः 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे हम कि 1-2 दिन बाद हम देख सकते हैं सर्वे होते हैं। हाँ, उम्मीद किया जा सकता है। तो ये मामला जो है भले ही अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ गया है, लेकिन ये मामला कहलाया श्रृंगार गौरी, क्योंकि जो महिलाएं थी 5, उन्होंने ये आवेदन दिया था कि वो प्रतिदिन पूजा करना चाहती हैं, और ये जो श्रृंगार गौरी है वो मस्जिद परिसर के भीतर पड़ता है। अब सर्वेक्षण को लेकर कोर्ट की तरफ से जो लहजा अपनाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है उसे समझना, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि या तो ताला खुलवाकर या ताला तोड़वाकर वहां पर सर्वेक्षण करना जरूरी हो जाता है। और अब क्या तहखाना, क्या मस्जिद परिसर, हर जगह वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि सारे साक्ष्य सामने आ सके। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेषों की जांच के लिए सर्वे पर अब कोई इफ बट नहीं होगा, सर्वे होगा चप्पे चप्पे का होगा, अगर ताला नहीं खुला तो ताला तोड़कर होगा। वाराणसी कोर्ट के इस क्लियर आदेश ने हिंदू पक्ष का मुंह मीठा कर दिया है। जन्म से रह रहे 92 से पहले कहते हैं यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोज होती थी, उसके बाद बंद हो गई। 92 के बाद बंद हो गया, 92 के बाद बैरिकेडिंग लग गया, उसके पहले लोग आते जाते थे आज। तो अब ठीक हो जाएगा आपको लग रहा है? अदालत ने कहा है कि हम सर्वेक्षण करेंगे। हाँ, ठीक, सही होगा, बहुत सही फैसला कोर्ट का। जो सत्य है वो सत्य सबके सामने आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ ना मिले वीडियो? क्यों नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है, वो सब जानते हैं बच्चे, उसके लिए भी सब तैयार है। क्यों नहीं, मुगले ने जो आतंक किया है हम लोगों पर उसका सही करने का सही समय आ गया है। आपको लग रहा है कि अदालत उसकी मिलने को क्या मिलने को, पीछे वाला दीवार पूरा हम ही लोगों का हिस्सा है, मंदिर का हिस्सा है पीछे वाला दीवार आज भी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर विवाद के कारण उसे रोक देना पड़ा था। मुस्लिम पक्ष ने ये कहकर वीडियोग्राफी रुकवा दी थी कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है,
ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे की जरूरत ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद हंगामा खड़ा हुआ और सर्वे को रोक देना पड़ा। लेकिन आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और अब की बार पहले से ज्यादा सख्त लहजे में सर्वे पूरा करने का आदेश दे दिया है। सुधीर त्रिपाठी जी, साफ साफ ऑर्डर क्या आया है? साफ साफ ऑर्डर आ गया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, उनके साथ विशाल सिंह कमिश्नर साथ कार्रवाई करेंगे और कमीशन की कार्रवाई प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक की जाएगी। इसमें अगर कोई पक्ष प्रतिवादी या वादी अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन की कार्रवाई होगी। दौरान कमीशन किसी भी प्रकार का अगर विरोध अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सुनिश्चित किया गया कि वो ताला खोल करके या तोड़कर कमीशन कार्रवाई कराएं। क्या कहा गया, ताला खोल करके या ताला तोड़ करके? उसको सुनिश्चित करें, कमीशन कार्रवाई करावाएं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर हर रोज पूजन की इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष हैं, जिनकी जांच करने की भी मांग की गई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का आदेश दिया है, तो याचिकाकर्ता महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। शुरुआत लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी श्रृंगार गौरी को लेकर, बहुत बड़ी जीत हुई आज हम लोगों की और इसका अब जांच जो होगी तो भव्य मंदिर बनेगा, माँ शक्ति की जीत हुई, सत्य सामने आएगा, सत्य जो छुपा हुआ है कई पर्दों में छुपाया गया था वो सत्य सामने आएगा और सत्य सामने आएगा तो सब जान जाएगा क्या है वो, क्या है मंदिर है, मंदिर है, गौरी है, जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी विराजमान रहेंगी, वहाँ शक्ति है। सब आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश है, सुबह से फास्ट थे, बस इस फैसले के आने तक कि फैसला आ जाएगा तभी हम लोग कुछ खाएंगे, इस फैसले का इंतजार था बहुत। आज कोर्ट के सामने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 2 सवाल सबसे अहम थे। पहला सवाल कि मस्जिद का आगे सर्वे होगा या नहीं, इसके अलावा सर्वे कराने वाला कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं। इन दोनों ही सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ऐसे में सवाल ये है कि अब मुस्लिम पक्ष क्या कहेगा। कोर्ट का आदेश है, आदेश जो होता है उसको माना जाता है। जो स्पष्ट आदेश नहीं था वो अब हो गया है? नहीं, स्पष्ट आदेश पहले नहीं था, अब आदेश कर दिया उन्होंने, ठीक है। सख्ती से इसको पालन कराने की भी बात कोर्ट ने कही, प्रशासन को कहा गया सख्ती से पालन करें, पालन करेगी प्रशासन इसका। तो अब क्या फिर इस पूरे आदेश को आप लोग मानने के लिए बाध्य हैं? कोर्ट का आदेश है तो मानना ही होगा। कोर्ट की तरफ से सर्वे के पहले आदेश पर मुस्लिम पक्ष में कंफ्यूजन को कोर्ट ने आज दूर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि सर्वे तो होकर रहेगा। अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होता है, वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे या चुपचाप सर्वे पूरा होने देंगे। वाराणसी से श्वेता सिंह, समर श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले को अगर समझना है तो केवल 1194 की बात नहीं समझनी होगी बल्कि इसके पौराणिक इतिहास को समझना होगा। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं और इसके पीछे एक बहुत प्राचीन इतिहास इससे जुड़ जाता है, बहुत सारी कथाएं जुड़ जाती हैं, इतना बड़ा परिसर इसका बताया जाता है और जो नक्शे भी दिखाए जाते हैं उसके अनुसार जो ज्ञानवापी मस्जिद है अभी वो भी हिस्सा जो है वो यहीं पर उसका नजर आता था और वहीं पर श्रृंगार गौरी के होने की बात ओरिजिनल नक्शे में नजर आती है। और ये चीजें वाराणसी में जो जितने भी साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए हैं उन सब में शामिल रही। पुराणों में काशी को शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ माना गया, कहा जाता है जब धरती पर कुछ नहीं था तब भी काशी थी और धरती कुछ नहीं रहेगा तब भी काशी मौजूद हुई। काशी में मौजूद विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में लिंगों में इनकी बहुत मान्यता है। पुराणों में ये जिक्र है कि विश्वनाथ मंदिर के परिसर में एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से एक कुआं बनाया, महादेव ने यहीं पर अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इस वजह से इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। क्योंकि इस मंदिर का पौराणिक महत्व रहा है इस वजह से हिंदू धर्म को मानने वाले सैकड़ों वर्षों से यहां दर्शन के लिए आते रहे हैं। भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर का यह महत्व ही आक्रांताओं और आक्रमणकारियों की आंखों की किरकिरी रहा। हालांकि इतिहासकारों के लिखित इतिहास के अनुसार मंदिर के पहले निर्माण को लेकर कुछ नहीं कहा गया,
सिर्फ मंदिर के ढांचे को तोड़ने और बार बार जीर्णोद्धार का ही जिक्र है। ऐसी जानकारियां हैं कि विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजा टोडरमल ने तब दक्षिण भारतीय विद्वान नारायण भट्ट की मदद से मंदिर बनवाया था। फिर औरंगजेब का दौर आया तो 1669 में उसके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला हुआ। उसी दौर में मंदिर के टूटे हुए ढांचे पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। यही मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई, क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहां ज्ञानवापी कुआं था। औरंगजेब के दौर में मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ज्ञानवापी के अंदर का सर्वे जब होगा तब होगा, लेकिन देश को मूल रूप से सर्वेक्षण का मकसद समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने एक छोटी सी सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की। काशी विश्वनाथ धाम की एक कॉरिडोर की ये तस्वीरें हैं, जहां से बाहर से मंदिर का शिखर का एक हिस्सा आपको दिखता है। शिखर के साथ ही वो कहते हैं उसके दर्शन के साथ ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको वो पूरा हिस्सा दिखाते हैं जो कि यहाँ पर है और जिस कारण ये पूरा विवाद यहाँ पर उठता है। तो देखिए, यहाँ से लोग प्रवेश भी कर सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो इस ओर से जा रहे हैं, देश भर से अलग अलग इलाकों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहीं से आपको एक और जो मस्जिद और एक और मंदिर परिसर का आपको वो विभाजन भी दिख जाएगा। वो जो रेलिंग आपको दूर से दिख रही थी आपको उसका हिस्सा भी दिख जाएगा। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसकी यहां से आपको एक मीनार दिख रही है, इसकी एक मीनार दिख रही है और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके गुंबद का हिस्सा भी पूरा दिखता है और वहां से हम आपको तहखाने का हिस्सा भी समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया जाता है और इसके पार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शिखर पर त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे मंदिर रहे, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम रहा और ये देखिए इस कोने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद की मीनारों के साथ साथ वो गुंबद भी दिखेगा जिसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो वीडियोग्राफर्स हैं। और इसी हिस्से में एक तहखाना भी है जिसके भीतर यह दावा किया जा रहा है कि उस तरह की आकृतियां हैं जो ये बताती हैं कि यहां पर किस तरह की चीजें अंदर हो सकती हैं और वो हिंदू मंदिर के अवशेष, साथ ही अलग अलग मूर्तियां जिनकी आराधना करना चाहते हैं हिंदू पक्ष, पूजा करना चाहता है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये कहा जाए कि विवाद बहुत पुराना हो गया है, इसे भूल जाना ही बेहतर, या फिर एक वर्ग ऐसा भी, एक पक्ष ऐसा भी जो सोचता है कि अन्याय चाहे कभी भी किया हो उसे ठीक करना चाहिए। बहरहाल इसी क्रम में 80 के दशक में यहाँ की जो लड़ाई है पहली बार देश में सुर्खियों में आई थी। हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि किस तरीके से जो काशी का पूरा मामला है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला है, वो सबसे सबके आगे आया, सबके सामने आया। असल में यह मामला 1984 में शुरू हुआ था। 500 से ज्यादा साधु संत दिल्ली में धर्म संसद करने जुटे थे। धर्म संसद में तय हुआ कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी और मथुरा में अपने धर्म स्थलों पर दावा करेंगे। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दी। याचिका में तर्क दिया गया कि काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने वहां तोड़फोड़ करवाकर इसकी जगह मस्जिद बनवा दी। याचिका में कहा गया कि मंदिर की जमीन हिंदू समुदाय को वापस की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि ज्ञानवापी के मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी प्रार्थना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया। मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया उसके खिलाफ हाईकोर्ट गई। उनकी दलील थी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू होता है। फिर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दी कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराया जाए। ये केस अब भी हाईकोर्ट में है। मतलब ये कि ज्ञानवापी मस्जिद का असली विवाद कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट की दलीलों में जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र होता है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। दरअसल ये कानून 1991 में आया था, उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। प्रार्थना स्थल कानून 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। इस मामले की बारीकियों को समझने के लिए हम हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से
की बातें आपको सुनाते हैं। उन्होंने पुरानी तस्वीरों के माध्यम से अपना पक्ष समझाया। पहली तस्वीर जो आपने दी है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या है ये विष्णु जी? ये नंदी भगवान की प्रतिमा है जो आज भी उस परिसर में उपलब्ध है और जो अब नया कॉरिडोर बन गया उसमें, और ये तो आम लोग भी देख सकते हैं, ये आम लोग भी देख सकते हैं। इसके बाहर बैरिकेडिंग है, इसके बैरिकेडिंग के अंदर है और ये नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होता, जो कि कभी नहीं होता क्योंकि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ फेस करते हैं। इसलिए हमारा पॉइंट ये है कि मस्जिद में ही ओरिजिनल शिवलिंग है क्योंकि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग भी वही था। तो पहला पॉइंट यही है कि नंदी जी की जो आप देख रहे हैं उनका मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है और नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, तो माना जा रहा है कि शिवलिंग वही था जहां इस वक्त मस्जिद है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ होना दूसरा। ये आपको तस्वीर, ये आपको ये जो आपने पिक्चर दिखाई है ये मस्जिद के वेस्टर्न साइड की वॉल है जो आज भी ऐसे ही है। इसमें आपको ये हिंदू कलाकृति की घंटियां दिख रही हैं जो हर एक मंदिर में दिखी जाती हैं और इसके अलावा काफी चक्र और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हिंदू मंदिर के। ये वेस्टर्न वॉल है, ये पश्चिमी दीवार है उस मस्जिद का जिसको लेकर पूरा विवाद है। क्या किसी मस्जिद की दीवार में हिंदू कलाकृतियां ऐसे हो सकती हैं जिसमें घंटी आप देख रहे हैं? अगली तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। पूरी हिंदू कलाकृति है, इस्लामिक आर्किटेक्चर ये नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है उनका। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके बारे में ज्ञानवापी कूप और मंडप के बारे में जल्दी से बताएं। ये ज्ञान कूप है और ये मंडप है और ये उसके बाद जब औरंगजेब ने डिमोलिश कर दिया तो उसके बाद भी हम वहां पे पूजा करते थे और वहां पे ये ज्ञानकूप रहता था और इसकी पिक्चर 1970 में ली गई है और अब उस प्लेस का कैरेक्टर बदल दिया गया, ये उसका प्रमाण है। अगली तस्वीर जल्दी से दिखाइए, एक एक करके तस्वीर। ये जो हम गुंबद दिखा रहे हैं ऊपर मस्जिद के जो गुंबद है उसके बारे में क्या कहें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आपने दिखाई है। ये जो गुंबद है ये गुंबद कोई अपने सेल्फ क्रिएटेड आर्किटेक्चर पे नहीं खड़े, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वॉल पे खड़े हुए हैं और जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है उस पे गुंबद खड़े हैं। अभी आपने मस्जिद की वेस्टर्न वॉल भी दिखाई थी तो ये तस्वीर उसको दिखाता है कि ये जो गुंबद है ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे बनाया गया है और वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपका मंदिर की दीवार है। अगला दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए ये तहखाने की तस्वीर है जो बंद है जिसके अंदर हमें जाना है और देखना है कि उसके अंदर क्या है। और राजकोट ने कह दिया ताला है तो ताला तोड़ो, ताला है तो तोड़िए। तो अगली तस्वीर जल्दी से दिखाइए, जो सबूत अगला है ये आपको चिन्ह दिख रहे हैं, ये आपको ब्रह्म कमल चक्र दिख रहे हैं जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे है और ये भी यही इंगित करते हैं कि यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर था और ऐसा आर्किटेक्चर किसी भी इस्लामिक मॉस्क का नहीं हो सकता। अगली तस्वीर दिखाइए, ये पश्चिमी दीवार है मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि ये पिक्चर ये दिखाती है कि ये जो गुंबद है कोई नया सेल्फ क्रिएटेड मॉन्यूमेंट नहीं था, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मंदिर की पूरी आपको जो वॉल दिख रही है ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है गेट नंबर 4 से अंदर घुस के, और ये वॉल ये दिखाती है कि ऑलरेडी उस पे गुंबद बनाया गया। हिंदू कलाकृति की दीवार है और ऊपर में गुंबद, गुंबद में गुंबद है मस्जिद, मस्जिद के अंदर जाके देखना चाहिए। दीवारों पर हिंदू कलाकृति, ये सारे हिंदू कलाकृति के चिन्ह आपको दीवारों पर दिख रहे हैं। ये जो आपके यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया ये भी एक हिंदू मंदिर के चक्र चिन्ह उससे संबंधित हिंदू कलाकृति से संबंधित सारी चीजें हैं, इसकी और नजदीक से फोटोज ली जाएंगी, वीडियोग्राफ्स लिए जाएंगे। अगली तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं, ये सारे हिंदू कलाकृति के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी तरफ इंगित करते हैं। जितने एंशियंट हिंदू मंदिर हैं उसकी तरफ ऐसी कलाकृतियां होती थी, ये उसका प्रमाण है। पुष्प हैं, पत्ते हैं, पत्ते हैं, हिंदू कलाकृतियां, चक्र हैं, चक्र हैं, घंटियां हैं, तो ये सारी चीजें इंगित करती है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। ये वीडियोग्राफी तो पहले दिन उस हिस्से में हो भी गया था, वो तो आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने दिया। अब हमें बैरिकेडिंग के अंदर जाके मस्जिद के अंदर से घुस के देखना है कि उसकी दीवार किस पे खड़ी है और नीचे तहखाना देखना है। तो फिलहाल जो वीडियोग्राफी में अभी तक तस्वीर सामने आई है उसकी एक एक प्रमाण, एक एक साक्ष्य हमने तस्वीरों के जरिए जो सामने रखा जा रहा है वो आपको दिखा दिया। लेकिन अब असल कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि यहां से मस्जिद के अंदर पहुंचने की इजाजत कोर्ट ने दे दी है, तहखाने तक जाने की इजाजत दे दी है और वीडियोग्राफी के जरिए पूरा सच ज्ञानवापी मस्जिद का सामने आने वाला है। तो आपके मन में भी इस तहखाने को लेकर सवाल उठ रहे होंगे, क्या है ये तहखाना, क्या है इस तहखाने में? तो इसके लिए हमने खास बातचीत की है इतिहासकार और समाजसेवी आरपी सिंह से। देखिए जहां तक पहली तस्वीर का है, यह हमारा जो इन्होंने उत्तर साइड, दक्षिण साइड और पूर्व साइड चूना करना शुरू कर दिए पहले से ही, लेकिन जो पश्चिम साइड का हमारा मूल भाग था अवशेष जो है वो बचा रह गया है। और ये पश्चिम साइड का मूल भाग है, ये दक्षिण साइड में जिसमें दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर का, मंदिर का ही ये स्ट्रक्चर है।
जो पत्थर लगा के बंद किया गया है, ये हमारा अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए, ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का, वो इस समय वर्तमान में तीन गुम्बद है, बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह। यस, हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये तीन गुम्बद बनाए गए। देखिए अब ये जैसे इन्होंने अपना प्रवेश जो है वो पूरब दिशा से बनाया, उत्तर दिशा की तरफ जो है ये जो छोटा सा इन्होंने गेट नुमा एक आकार दे दिया है, ये 10-12 फीट ऊंचा है, इसी के नीचे ये एक खुला हुआ है, इसी में से ये प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ये 7 फीट नीचे है चारों तरफ का एरिया, और जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो भी तहखाना, जो तहखाने का विवाद है वो 7 फीट ऊंचा किया गया है, तहखाने की हाइट 7। नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है। तहखाने के अंदर जो हमारे टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं, किसकी तस्वीर, किस भगवान की है? ये पत्थर रखे गए, पत्थर है सब। मुझे तो किसी भगवान की तस्वीर, आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे अवशेष। ये इसी पर हम लोग कह रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी करा लीजिए ताली खुलवा करके। तो जो निर्णय ज्ञानवापी में सर्वेक्षण को लेकर आया वाराणसी में, उससे जो हिंदू पक्ष है वो तो बहुत उत्साहित है, लेकिन ताजमहल को भी लेकर इस तरह का एक मामला चल रहा था और अदालत के सामने वो मामला था। ताजमहल के ठीक नीचे 22 कमरे हैं, उन्हें आज शांत कर दिया। याचिकाकर्ता की ताजमहल के नीचे शिव मंदिर वाली थ्योरी हाईकोर्ट के सामने बिल्कुल नहीं चली। इतना ही नहीं, वर्षों से बंद 22 कमरों को खुलवाने के नाम पर जो एक एक करके दलीलें दी गई थी, उनके जवाब में हाईकोर्ट से एक के बाद एक फटकार मिलती गई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गैर न्यायपूर्ण है और ये मामला इतिहासकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें, पीआईएल को मजाक न बनाएं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया। लेकिन इस सब के बाद भी याचिका करने वालों की हिम्मत नहीं टूटी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बहुत छोटी सी मांग थी कि आप उन 22 कमरों को खोल दीजिए, जो सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं, जो सुरक्षा कारण बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से बंद है, और उसी कमरों को लेके समय समय पे विवाद होते रहे हैं, एक बार आप उन कमरों को खोल के सारा विवाद खत्म कर दीजिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मेरी मांग नहीं मानी है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसके लिए आगे। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने वाले याचिकाकर्ता रजनीश सिंह अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, और इनका मानना है कि ताजमहल के नीचे बने इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, और इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा, आप यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, तब कोर्ट आइए, ताजमहल पर रिसर्च से कोई रोके तब आप हमारे पास आना, अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा।
लेकिन याचिकाकर्ता इसे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बजाय हाईकोर्ट की सलाह समझ रहे हैं। सुनवाई के दौरान तमाम ऐसी बातें आ रही थी कि टिप्पणियां की गई कि आप आज ताजमहल में जाना चाह रहे हैं, फिर चैम्बर में इस तरीके की बातें आई, आपको अध्ययन करना है तो PhD करिए, आपकी याचिका के कर्ता को बोला गया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस विषय पे जो 22 बंद कमरे हैं उस विषय पे अगर आपको जानना है, स्टडी करना है, तो आप इसमें, उन्होंने ये कहा कि इस विषय पे आप PhD भी कर सकते हैं, उन जैसा कि PhD का ये टॉपिक भी ले सकते हैं, और अगर आप उस विषय पे रिसर्च करने जाइए, अगर कोई मना करता है तो हमारे पास आइए, हम आपको अलाउ करेंगे। ये बात कही थी, उस विषय को कुछ एक मीडिया पर्सन जो वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, वो कुछ लीगल पर्सनैलिटीज के मीडिया पर्सन थे, उन्होंने उस बात को घुमा के ट्विस्ट करके आप लोगों के सामने। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने के लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट आने से पहले ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास गए थे। तब ये जवाब दिया गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से ताजमहल के कमरों को बंद रखा गया है। इस बात से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने कहा कि ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये मुद्दे अदालत से बाहर के हैं और इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। याचिकाकर्ता एक के बाद एक दलील देते जा रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने एक और कोशिश करते हुए कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल आप आएंगे और इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाने के लिए कहेंगे। इस तरीके की बहसें अदालत के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन कई हिंदू पक्षकार ये मानते हैं कि ताजमहल में शिव मंदिर है जिसकी सच्चाई आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ जाएगी। भगवान शिव का अति प्राचीन जो है मंदिर रहा है और जिसके तमाम तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जब मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो जाने के बाद में जो वहाँ के तथ्य मिलेंगे उसको लेकर के फिर मैं जो है तो प्रयास करूँगा और एक न एक दिन सच्चाई जो है उसी तरह सामने आएगी जिस तरह से जो है तो अयोध्या का आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह भगवान भोलेनाथ का भी वहाँ हो सकता है कि अभिषेक जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल कानूनी मान्यता ये है कि इस याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता को और पढ़ाई करने की जरूरत है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और याचिकाकर्ताओं की उम्मीदों की सुई अब उसी दिशा में घूम गई है। संतोष कुमार, आज तक। तो ताजमहल को लेकर ये विवाद तब पहली बार सामने आया था जब इतिहासकार PK ओक ने अपनी एक किताब लिखी, ट्रू स्टोरी ऑफ ताज। उसमें कई सारे तर्क उन्होंने दिए, कई सारे तथ्य उन्होंने सामने रखे जिसके आधार पर उन्होंने अपने ये सवाल उठाए थे। किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करते हुए ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देने का दावा किया गया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। आखिरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था, तब यहाँ केवल निरीक्षण किया गया था, उसके बाद से ये कमरे बंद हैं। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ताजमहल में पर्यटकों की संख्या और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इन कमरों को बंद रखा जाता है। तो एक तरफ आज पूरे देश में जजमेंट डे था, कम से कम जहां तक ऐतिहासिक इमारतों का सवाल है, जहां तक मंदिरों का सवाल है, लेकिन इससे परे दिल्ली में अतिक्रमण की जो मुहिम है वो लगातार जारी रही। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जब वही बुलडोजर चलता है तो कोई चीख चिल्लाहट सांप्रदायिक होने का कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन जब शाहीन बाग या मदनपुर खादर में वही बुलडोजर चलता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। देखिए एक बार फिर स्थिति को, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेन करने का कोशिश, पहले अवैध निर्माण करेंगे फिर पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे। दिल्ली के एक हिस्से में यह जबरदस्त विरोध और हमला
एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया। दिल्ली में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने मदनपुर खादर इलाके में पहुंची थी। एमसीडी का बुलडोजर अवैध इमारतों पर चल रहा था। और एक एक करके बिल्डिंगों को मदनपुर खादर इलाके में तोड़ के गिराया जा रहा है। एक बिल्डिंग इसी 6 मंजिला बिल्डिंग के ठीक बगल वाली बिल्डिंग एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसको जमींदोज कर दिया गया है, जिसे बुलडोजर्स ने तोड़ के गिरा दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की एमसीडी दावा कर रही है कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत पर जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर चलने की खबर आई, फौरन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मौके पर आ गए। पहले औरतों और नौजवानों के साथ अमानतुल्ला खान धरने पर बैठे और एमसीडी पर आरोप लगाने लगे। ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, इलीगल काम तो ये कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। अब ये गरीब देखो ना इनकी हालत, ये डर का माहौल से पैदा कर रहे हैं। 50 नोटिस दिए, जो 5 लाख रुपए इनको दे देता है उसका छोड़ देते, और ये तो हिंदू मुसलमान भी नहीं है। यहाँ तो इन्हीं का बीजेपी का पार्षद है, यहाँ तो सारे देखो हिंदू बहनें भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सब कुछ है, मुसलमान भी हैं। ये तो सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं। उधर जिस गरीब का घर टूट रहा था उसने भी बताया कि एमसीडी के एक्शन की वजह से उसके 50 लाख डूब गए। आपकी बिल्डिंग है? हाँ, हमारी बिल्डिंग। नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं है। कब से बना रहे थे घर? 3-4 महीने हो गए बनाते। आप बिल्डर हैं या ओनर हैं? ओनर हैं हम, अपने लिए बना रहे थे। कितना नुकसान हुआ है? 50-60 लाख रुपए का नुकसान है। मदनपुर खादर का ये इलाका अवैध रिहायश है, लेकिन यहाँ 3 मंजिला से लेकर 6 मंजिला तक इमारतें बनाई जा रही हैं। और जब एमसीडी ने उन्हें तोड़ना शुरू किया तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर हालांकि पहले धरना, फिर विरोध और उसके बाद जब लोग आक्रामक होने लगे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन पुलिस की चेतावनी का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां से चले जाओ, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्टे भीड़ और आक्रामक हो गई। उग्र होती भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मौके पर हंगामा कर रहे कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में औरतें भी थी, महिला पुलिस बल ने उन्हें भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ लोगों ने काम को सरकारी काम में बाधा डाली। तो मैम, क्या कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, इंक्लूडिंग जो एमएलए हैं? हाँ, हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। कितनी संख्या है मैम? थैंक यू। एक दर्जन के आसपास। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को भी हिरासत में लिया, क्योंकि उनके आने के बाद ही भीड़ उग्र होती गई थी और फिर पुलिस पर हमला भी कर दिया। अमानतुल्ला साहब जो है उन माफियाओं को जो अवैध रूप से बिल्डिंगें बना बना करके गरीब आदमियों को लूटने का काम करते हैं, ये आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी के सभी अपने नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए जो दर्द उनका आज उमड़ करके बाहर आ रहा है, ये आज जनता ने देख लिया है। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो उपद्रव की कोशिश की गई, उसे लेकर राजनीतिक सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी की। रोहिणी में एमसीडी का बुलडोजर शांति से अपना काम कर रहा था। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वो भी एमसीडी की कार्रवाई को चुपचाप देख रहे थे। पश्चिमी दिल्ली में जिनकी दुकानों के आगे का हिस्सा टूट रहा था वो भी जुबानी विरोध के साथ एमसीडी को उसका काम करने दे रहे थे। उत्तरी दिल्ली की अमर कॉलोनी में एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण हटाता रहा, लेकिन वहां भी ना तो नारेबाजी हुई ना ही पथराव हुआ। यहां तक कि दक्षिण दिल्ली के ही ख्याला इलाके में भी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया, लेकिन वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में भी एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन वहां भी पथराव नहीं हुआ। लेकिन यही एमसीडी की टीम जब शाहीन बाग जाती है तो वहां पूरा हंगामा बरपने लगता है। यही एमसीडी की टीम जब मदनपुर खादर पहुंचती है तो पथराव होने लगता है।
यही एमसीडी जब मंगोलपुरी पहुंचती है तो वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने विरोध किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बसाने और अतिक्रमण करने वालों का इस्तेमाल कभी राजनीतिक फायदे के लिए और कभी मजहबी वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। तेज श्री पुरंदरे और योगेश गुप्ता के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।